मतगणना प्रशिक्षण बैठक में पहुंचे कमलनाथ, कहा पूरी निर्भीकता के साथ काम करें कांग्रेस की सरकार बनने पर। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव की मतगणना 3 दिसंबर से होने वाली है। मतगणना की बारीकियों से उम्मीदवार और अभिकर्ताओं को अनुभवी नेताओं से अवगत कराया। प्रशिक्षण देने वाले नेताओं ने हर राउंड पर पूरी सक्रियता, शासकीय कर्मचारियों द्वारा चुनाव ड्यूटी के दौरान पोस्टल वोट के माध्यम से किए गए मतदान की गणना और मतगणना के दौरान आने वाली परेशानियों को सक्रियता, विधिक समस्याओं सहित अन्य मुद्दों पर 230 प्रत्याशियों एवं उनकी मतगणना अभिकर्ताओं के साथ चर्चा की। बैठक 2 सत्र में हुई। प्रथम सत्र में रीवा, शहडोल, जबलपुर, ग्वालियर, चंबल संभाग और दूसरे सत्र में इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, भोपाल और सागर संभाग के प्रत्याशियों की बैठक संपन्न हुई। प्रशिक्षण के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बैठक में उपस्थित कांग्रेस प्रत्याशियों और अभिकर्ताओं से लाइव चर्चा करते हुए कहा कि मतगणना का कार्य बिना किसी भय और दबाव के साथ करें। कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य किया है। कांग्रेस की सरकार बनने पर प्रदेश की नई तस्वीर बनेगी। युवाओं में नई ऊर्जा का संचार होगा, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, किसानों का उत्थान होगा, नई पीढ़ी का भविष्य उज्जवल होगा। उन्होंने कहा कि मतगणना के दिन पूरी निर्भीकता के साथ काम करें। कोई भी समस्या आने पर कांग्रेस प्रत्याशी और चुनाव कार्य में लगे अधिकारियों को सूचित करें ताकि कानूनी तरीके से उसका निस्तारण हो सके। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं चुनाव आयोग कार्यप्रभारी जेपी धनोपिया ने मतगणना के दिन की गतिविधियों और चुनाव आयोग द्वारा प्राप्त दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मतगणना कराए जाने के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि मतदान के लिए जो ईवीएम मशीन सील करके स्ट्रांग रूम में रखी गई, उसका पूरी तरह निरीक्षण करें। किसी प्रकार की कोई त्रुटि पाए जाने पर निर्वाचन अधिकारी से तुरंत संपर्क करें। किसी भी प्रकार की अमान्य घटना होने की जानकारी निर्वाचन अधिकारी को दें। मतगणना के दौरान मतगणना स्थल पर ले जाए जाने वाली सामग्री अवश्य ले जाएं। मतगणना शुरू होते ही मतगणना के हर राउंड और एक एक मतों पर अपनी प्यारी नजर रखें। शासकीय कर्मचारियों द्वारा किए गए पोस्टल वोट की गणना पूरी सतर्कता से कराएं। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश इस दौरान वाहन नहीं होने दिया जाए। धनोपिया ने कहा कि मोबाइल एवं अन्य इंटरनेट से संबंधित उपकरण मतगणना स्थल पर ले जाना पूरी तरह से वर्जित है। यदि कोई व्यक्ति इसका पालन नहीं करता या अन्य पार्टी के लोगों द्वारा किसी प्रकार की अमानवीय असामाजिक घटना को अंजाम दिया जाता है तो पूरी सतर्कता के साथ उसका विरोध करें। शीघ्र ही अपने प्रत्याशी और निर्वाचन अधिकारी को अवगत कराएं। इमरोज खान ने ईवीएम मशीन से संबंधित जानकारी से अवगत कराया। मध्य प्रदेश कांग्रेस विधि एवं मानव अधिकार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अभिभाषक शशांक शेखर ने प्रशिक्षण देते हुए मतगणना के दौरान आने वाली समस्याओं के दौरान कानूनी प्रक्रिया को लेकर विधिक जानकारी से अवगत कराया। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं बूथ प्रबंधन समिति के अध्यक्ष महेंद्र जोशी ने प्रत्याशियों को सुझाव साझा करते हुए कहा कि मतगणना के दिन काउंटिंग एजेंट पूरी सतर्कता बरते, समय के पूर्व काउंटिंग के लिए अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच जाएं और मतगणना शुरू होने के पूर्व पूरे संयम और सक्रियता से अपने कार्य को अंजाम दें। अब तक लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।